गाइस, अरे पूजा हो गया है, आरती सब घर में घुमाया जाता है, तो पूरे घर में आरती दिखा रही हूँ। आगे चलिए आप। रुद्राभिषेक होने के बाद, रुद्राभिषेक होने के बाद पूरे घर में आरती दिखाया जाता है, तो दिखाने के बाद आरती दिखा रही हूँ मैं सबको। अरे न सुने तुम मेरी पुकार, कब से खड़े जो मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा। अब सब लोग आरती ले सकते हैं। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सबका हमारे यूट्यूब में स्वागत है। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पूजा होने के बाद यहाँ पर हम दीदी जेठानी जी सासू माँ बैठ के भक्ति गाना गा रहे थे भोले बाबा के लिए, और इसके बाद सब लोग धीरे धीरे आ गए हैं। हम लोग सोचे चलिए यार हम लोग भी अपना कुछ अलग से करते हैं, ताकि हम लोग की वीडियो भी बन जाए और अच्छा लगेगा आप लोग को देखकर। एक एक क्लिप आप लोग को दिखाएंगे और बाबा का विसर्जन आज ही होगा। ब्लॉग में बने रहिए, मिलते हैं कुछ टाइम बाद। और पीछे गाड़ी में दीदी दीदी मम्मी सासू माँ और अमित किटो यही सब है, वो लोग भी आ रहे हैं। और होता है ना कोई चीज़ अगर दिल से करो, थोड़ा सा उनको जब विदाई करने का बारी आती है तो बहुत दुख होता है, चाहे इंसान की विदाई हो चाहे भगवान की विदाई हो। ये बताओ हिंडन नदी पे जाना कैसे जाना पड़ेगा? तो हम लोग को अभी पता नहीं था हिंडन नदी कहाँ है, तो वहीं पर जा रहे हैं। अरे नदी तो पता है, लेकिन उसके पास कैसे जाना ये पता करना है। रेड लाइट से आगे बोले है ना, राइट। चलो इधर चलो, इधर चलो, इधर चलो, इधर चलो। राजी आप विसर्जन में आई हो? उधर थोड़ा सा क्लियर है, इधर आगे आइए। तो ये सब भी पानी वही सब कहीं ना कहीं से बह के आ रहा है, मिल रहा है सब पानी। ये नदी का पानी भी इसमें मिला हुआ है। देखो पूजा का हुआ है ना, और क्या सब पूजा का सामान है, ये सब रुद्राभिषेक किए हैं ना सावन में, वही है।
हे भोले बाबा जात वहाँ छोड़ ये रुक जाओ, हम साथ में करते हैं जी, साथ में करते हैं। तो यहाँ पर सब कर प्राची रील शूट कर लो, देखने बंद करो, मैं तुम्हारा कौन देखेगा। दम रेस करते जाए इधर, तो यहाँ पर यहाँ ऊपर से 60 पे करो। ये आप गणेश जी को उठाए हो कि देखिए, हाँ कार्तिक कार्तिक जी हैं। जय हो, हर हर महादेव, लोग कार्तिक भगवान की जय, की जय, बम बम बोले हर हर महादेव, हर घर में महादेव। ऐसे तो किसी ने सब विसर्जन हो गया। गाड़ी पीछे तो गाइस पूजा सब विसर्जन वगैरह हो गया है, और नेक्स्ट ब्लॉग बहुत अच्छे से आएगा। बाबू का रात में केक भी कटा था, मैं वहाँ रात को 11 बजे चली थी, 12:30 बजे लग अपने घर आ गए थे इसने से लगभग। और अच्छी अच्छी ब्लॉग आएगा, बहुत सारे लोग आज भी आ जाएंगे। और आप लोग को पहले वाले वीडियो में बता दिए थे सोनाची स्कूल गई है, और जब वो पढ़ के आएगी तो हम लोग निकल जाएंगे फिर से नहा धोकर अच्छे से अपना यहीं पर। और बहुत सारे लोग हैं गाइस, भीड़ पूरा, तो एक रूम तो पूरे लगेज से भरा हुआ है। और होता है ना कि शहर में थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं हो पाता है। फंक्शन तो हम लोग अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन जानते हैं लगेज रहता है, रूम थोड़ा छोटा रहता है, तो गर्मी ठंडी होती है थोड़ा सा इंसान को, अरे सब चीज़ एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन गर्मी की वजह से बहुत परेशानी होती है फंक्शन करना। बाप रे, मैं तो यही सोच रही थी, बोले बाबा अगर आप मुझे ऐसा चीज़ देना जो हम मतलब कि ठंडी में सारे कार्यक्रम करें, और बस यही दुर्गा बाबा से करते हैं। लेकिन यकीन अच्छे से सब कुछ बीत गया। अब पता नहीं गला में दर्द हो रहा है, अब जा रहे हैं अपने घर का काम करेंगे, क्योंकि वीडियो का कंटिन्यू सबका आ रहा है, और अच्छा अच्छा ब्लॉग भी सबका आ रहा है, तो एडिटिंग करना होता है। जब वहाँ चले जाएंगे तो बिजी हो जाएंगे। बस चलते हैं, ये वाला ब्लॉग यहीं से एंड करते हैं। अगर आज की वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर खूब कर देना। और नेक्स्ट ब्लॉग आएगा बाबू के बर्थडे वगैरह कटिंग का, रात को जब मैं वहाँ से निकली तो इधर पति देव दूध ला कर चाय बनाते हैं, ऋषभ सो रहा है, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय।